अपने 3 दिवसीय दतिया दौरे के दौरान गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा द्वारा दतिया जिले के विकास के लिए करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। इसी बीच रविवार को दतिया पहुंचे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा द्वारा सर्वप्रथम पत्रकारों का प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया, उसके बाद लोगों की जन समस्याओं को सुना। तत्पश्चात शहर के प्रसिद्ध लाला के ताल पर 38 लाख रुपए की लागत से बनने वाले पाथवे निर्माण एवं फुटपाथ के लोकार्पण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस दौरान मंत्री मिश्रा ने दतिया के विकास को लेकर कहा कि आज दतिया खेरी से लेकर चिरूला बड़ोनी से लेकर सोनागिर तक विकास के आयाम को छू रहा है। इतना होने के बाद भी इनकी सुरक्षा का भाव भी हमारे अंदर होना चाहिए और यह आवश्यक है। अपने शायराना अंदाज के लिए जानने जाने वाले गृह मंत्री मिश्रा ने कहा कि हवा के रुख पर दिया जलाना जला कर रखना कमाल की बात है और इसको लेकर विपक्ष पर किया प्रहार। साथ ही में मंत्री मिश्रा ने कहा कि तालाब किनारे फुटपाथ के निर्माण से लोगों को शुद्ध वायु, हरा भरा वातावरण एवं प्रकृति को समझने का मौका मिलेगा। साथ ही हम सभी का सपना ग्रीन दतिया क्लीन दतिया भी साकार होता हुआ नजर आएगा, जिसके लिए हमारी भी अपनी एक नैतिक जवाबदारी है। विकास कार्यों को दतिया में लाने की जवाबदारी मेरी है, लेकिन उन कार्यों की सुरक्षा करने का दायित्व आप लोगों का है। जब भी विकास के मामले में हमारी मेहनत सफल होगी, आदि बातें मंच के माध्यम से लोगों से उन्होंने साझा की। बेकार चली गई, पहले 15 महीने कमलनाथ खा गया और बाकी 15 महीने कोरोना खा गया। ये दोनों के कारण से पार्थिव शिवलिंग का कार्यक्रम नहीं हो पाया और अभी जब हमने कल कलेक्टर साहब से अनुमति मांगी पार्थिव शिवलिंग की तो उनने लिखित में मना कर दी। तो नहीं, हम चाहते भी नहीं है कि हम कानून का उल्लंघन करें। हम चाहते हैं कि अब घरों पर वो बने, सावन का हिस्सा एक सोमवार ऐसा है कि दूसरे पर खत्म कर दें। 7 दिन का कार्यक्रम दद्दा जी के नाम से करें और हमारा वो अपने घर में 11 बनाए, 5 बनाए, बहन हमारी माता बहनों के लिए कार्यक्रम होगा वो, और हमारा फिर वो ठेला जो जाएगा वो उनको, अब हमारे वार्ड की टीमें होंगी अपने अपने वार्ड से कलेक्ट करके 36 ठेले हमारे आके वो एक जगह स्टेडियम पे ट्रॉली ट्रैक्टर ट्रक डंपर जिसमें भी होगा उनको हम नदी पे विसर्जित करेंगे। ऐसा 7 दिन कार्यक्रम रखेंगे, फिर अगले साल तो कोरोना रहेगा नहीं तो अपन वो कार्यक्रम भव्यता वाला जैसा करते थे भंडारे के साथ में वैसा ही करेंगे, लेकिन अभी इस साल का वो कार्यक्रम की मानसिकता बनाए और इसके लिए लोगों को ये बात घर घर तक पहुंचाए। और ये जो आज चंपा बाग का अखाड़ा बनाया है कलेक्टर साहब ने, ये पेड़ हमारे लग भी जाए, सिर्फ पौधे ना रहे, पेड़ बन जाए, इस उम्मीद के साथ में वृक्षों के महत्व को भी समझो। मैं अक्सर जब भी वृक्षों के पेड़ के बारे में बोलता हूँ वो एक किस्सा सुनाए बिना मैं अपनी बात खत्म नहीं करता, क्योंकि मैं मानता हूं कि पृथ्वी पर पैदा होने वाली हर वनस्पति औषधि है। हर पैदा होने वाली वनस्पति औषधि है, फर्क इतना है कि हम जानते नहीं है उसके बारे में। जो जानकार होता है वो हाल बता देता है कि उमर की छाल घिस के लगा ले, छाजन ठीक हो जाएगी। अब जो नहीं जानते वो नहीं जानते, लेकिन कुछ चीजें कुछ लोगों की समझ में नहीं आती, वो सिर्फ आलोचना ही करते हैं और उन आलोचना करने वालों से हमें कुछ नहीं कहना, हमें अपने काम को करते रहना है। वो तो आलोचना करेंगे क्योंकि उनको हम समझ में आएंगे नहीं और इसलिए हमारी उनसे कोई बुराई नहीं। अब नीम को हम सब लोग हकीम मानते हैं और कौवा नीम पे ही रहता है, लेकिन निमोली अगर वो खा लेगा कौवा तो मर जाएगा। आपको मालूम है कि नहीं ये बात, कौवा अगर नीम की निमोली को खा लेगा तो। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए दतिया से राजेंद्र पटवा की रिपोर्ट।